प्रभु हमें कितना मदद करता है, प्रभु हमारा कितना अच्छा सगाए गए, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमको एक एक दिन देता है, अवसर देता है, ये अवसर सब हम प्रभु को और भी अनुभव करने के लिए, प्रभु का संगति में रह करके उसी जैसा बनने के लिए जितना भी अवसर मिलता है, ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। तो आज भी मानव हम बहुत बड़ा भीड़ में नहीं है तो भी प्रभु हमारे बीच में है। सबसे बड़ी बात है प्रभु यहाँ पर भी आया हुआ, अनेक लोगों से बात करेंगे। और वो जब भी इकट्ठा होता है तो हम वचन को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये वचन उत्पत्ति से लेकर के रेवलेशन तक का सारा वचन हमारे लिए बहुत ही आशीर्वादक है ना। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 4 वचन में पौलुस रोमी विश्वासियों के निर्णय के तय पर एक खास बात उठाकर कहता है कि ये पवित्र शास्त्र का खूबी उसका महत्व वर्णन करते हुए वो बताता है रोमियो 15 अध्याय 4 में जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। पहली बात ये लिखा हुआ बात वचन में जो भी बात है वो हमारी शिक्षा के लिए या हमें शिक्षण प्राप्त करने के लिए, मतलब हम लोग अपने जीवन में सुधरने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा आदर्श में लाने के लिए लिखा गया। इसका मतलब वचन का शुरू से लेकर के हरेक बातों को कितना अधिक जानना चाहिए, हरेक बात। आज का पीढ़ी का वो भी क्या है, मतलब आजकल का जवान लोग अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, शादी की उम्र हो गया तो भी शादी नहीं करने का है, शादी नहीं करना, अपने इच्छा में मनमानी में जीना, वो उनको अच्छा लगता। परंतु वजन क्या कहता है उनको मालूम नहीं है, वजन क्या कहता है उनको मालूम नहीं है। जो प्रभु ने बोला मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं, देखा पर प्रभु ने क्या कहा वो बात हमको कहाँ मिलेगा, उत्पत्ति में मनुष्य को बनाने के बाद में, पर अनेक बात का उपदेश वजन में दिया है हमने। क्या एक एक बात का निर्णय लेता है हम कैसा निर्णय ले चाहिए और इस प्रकार का व्यवस्था प्रभु ने क्यों देगा, ये संपूर्ण बाइबल में लिखा। इसका मतलब एक व्यक्ति अभी भी अगर प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति है तो हर बात में वजन आधार होने चाहिए, वजन के आधार में निर्णय लेना चाहिए, वजन के अनुसार चलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी आगे बढ़िएगा, थोड़ा रुक रुक कर पढ़ना। देखो पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन तो है ना, पवित्र शास्त्र हमेशा भक्तों को प्रोत्साहन देता है ना। आप देखो कोई भी समय में ये वचन हमसे बात करता ही है, कोई भी अवस्था में प्रभु ये वचन के द्वारा आत्मा में हमसे बात करता है, ये एक भक्त का अनुभव है। अगर आप कभी भी मतलब दिल में थका हुआ अनुभव रहता है तो तुरंत वचन आकर के बोलता है कि तुम प्रभु में मगन रहो, आनंदित रहो, प्रभु में तुम आनंदित रहो, मेरा तुरंत उसके लिए वचन भी देगा। मैं आपको बोलता हूँ सारा थकावट को दूर करेगा, हर अवस्था में हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने का मार्ग वचन मिला था। और आगे आशा रखें पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखा इसको मतलब ये प्रोत्साहन हमको और भी आशा में मजबूत करता, और भी मजबूत करता। अभी वापस एक बार वचन पूरा पढ़ो, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। देखा भविष्य प्रोत्साहन भी देता है और उस पर आशा भी मिलता, बहुत बड़ी बात। मतलब अनेक पवित्र शास्त्र अभी हम लोग अंत समय में आया हुआ, हम लोग अनेक बातों में मतलब प्रभु का आगमन जैसे नौ का काल रहेगा, उसको नौ का काल मतलब जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, उत्पत्ति में। नौ का दिनों में क्या हुआ, उत्पत्ति में जाना नहीं समझा है, यीशु मसीह ने बोला जैसा मोशा ने सांप को मानव ऊंचा किया, मानव
अभी वो जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब अभी गहरे में जाना पड़ेगा। देखो बोले का अर्थ क्या है कि हमें एक एक बात जानने के लिए पूरा बाइबल का पूरा जरूरत है, संपूर्ण बाइबल का एक सच्चा ज्ञान है ना। इसलिए जब ये प्रभु का लोग इकट्ठा होता है तो पूर्ण रूप में वचन को सही रीति में समझाना बहुत जरूरी बात है ना। जब आपको याद है अभी अंत समय में आया हुआ हमारे लिए पौलुस पुराना नियम का एक बात को लेकर चला भी देता है ना, पहला कुरिन्थी उसका 10:11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। बताओ अभी मतलब इस युग के अंत में रहने वाला हमारे लिए एक चेतावनी के लिए लिखा है, है? इसका मतलब क्या है कि इसने लोगों का जीवन में आए हुआ एक बात, ये बात विश्वास या मंडली जानना उनके जीवन में कहां पर धोखा हुआ, कहां पर हर हुआ, ये बात को जानना ताकि हम ना हरे, हम एक विजय जीवन बिता पाए। बहुत बड़ी बात है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग मतलब जानने के बावजूद भी सावधान नहीं, ये बात सिखाया नहीं गया ऐसा नहीं, सिखाए जाने के बावजूद भी लोग सावधान नहीं। प्रभु का वचन अभी आपको मालूम है इसराइल लोगों का उसका अभी ज़्यादा समय नहीं और आपको जानता है, इसलिए मैंने उसका एक वचन से नहीं पढ़ाया। प्रभु उनके साथ रह करके उनको अनुभव दिया है ना, उसका 4-5 वचन पढ़ना। और सब एक सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखा है प्रभु उनको इतना अनुभव करने के लिए उनका बीच में रहकर कार्य किया, कभी भी उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। आज मेरे जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं के लिए जानना है ना। हम लोग जब प्रभु को उपस्थित में आता है तो कैसे आना चाहिए, मैं हजारों बार बोल रहा हूँ, हम लोग प्रभु को उपस्थित में आने के समय में कितना आनंद से आना चाहिए ना। जब 100 भजन संगीता का दूसरा भजन में क्या लिखा मालूम है, आपको याद रहे तो याद रहता है, 100 भजन संगीता का दूसरा भजन, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। कैसे जय जयकार के साथ, कितने लोग जय जयकार के साथ आया है प्रभु के सम्मुख पे आने के समय में, कैसे आना बड़े आनंद के साथ जय जयकार के साथ। चलो आज भी प्रभु ने मुझको पवित्र लोगों के साथ संग नहीं दिया है, मुझे मेरा विरोधी मुझे रुका करके नहीं रख पाया, कितना बड़ा खुशी होना चाहिए है। देखो बोलने का अर्थ क्या है ना, हरेक वचन प्रभु का वचन में लिखा हुआ उसके अनुसार हम प्रभु की महिमा करेगा तभी प्रभु प्रसन्न रहेगा। कुड़कुड़ाते भी आया है, ओ आज भी अभी 1-2 घंटा इधर बैठ करके बोर हो जाता, कई लोगों को बोर है, ऐसा क्या है, सच्चा दिल से नहीं आता, आनंद से नहीं आता, प्रभु का महिमा उनका नीचे नहीं, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, प्रभु ने उनके लिए कितना बड़ा कार्य किया। प्रियो प्रभु ने हमारे लिए किया वो उपकार को कभी ना भूले। देखो ये बहुत छोटा सा जीवन यात्रा है, इस जीवन की यात्रा में हमें सत्य परमेश्वर और सत्य वचन हमें मिल गया, ये प्रभु का कितनी बड़ी कृपा है। लोगों ने जीवित परमेश्वर को जाने नहीं है, लोग मतलब कितने प्रकार का भक्ति करके थक जाता है, लेकिन आज हमें सच्चाई मिल गया, सत्य वचन भी मिला, हमें उसमें बना रहने के लिए कितना उत्साह चाहिए। लेकिन आज भी बहुत लोग हमें मिला हुआ ये वचन सत्य है करके विश्वास नहीं करते, विश्वास करता तो उसके अनुसार जीना चाहिए, लेकिन नहीं जीता, कितना दुख भरा बात है ना। इसलिए लोगों के जीवन का बात थोड़ा सा ध्यान करेगा, कितना बार ध्यान किया, कुछ नया बात प्रभु सिखाएगा, ऐसा मैंने आशा के साथ। जब मानव अनुवाद की किताब 8 अध्याय उसका 14 वजन का भी पाठ पढ़ना, अनुवाद व्यवस्था विरत 8 अध्याय उसका 14 वजन का भी पाठ, जो तुझको दासवत्त के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। देखा दासवत्त की एक घर में उन्होंने पढ़ा था अर्थात मिस्र। आप देखिए प्रियो बोलो दासत्व में था, आपको मालूम है दासत्व का जीवन के बारे में आज बहुत लोगों को मालूम नहीं है ना, पहले पहले जमाने के लोगों को भी थोड़ा था मालूम, गुलामी जीवन, गुलामी जीवन में कितना दुख है, कितना वेदनाजनक बात है,
वो व्यक्ति का जिंदगी का कोई भी खुशी कभी पूरा नहीं होता, है ना। गुलामी जीवन एक भयानक जीवन है भी है। अभी ये लोग दास होते कि उस घर में या मिस्राइम में था, वहां पर उन लोग इतना कष्ट और वेदना में था, प्रभु ने वहां से छुड़ाया। ये लोग कभी भी छुट नहीं सकता था। आप प्रियो हम लोग आप तो अभी आप तो अभी हम लोग गुलामी में था ना, है हम लोग गुलामी में था, और हमारा छुटकारा कभी हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता। हम लोगों को उस भयानक गुलामी से, है ना, जब योगन्ना 8 अध्याय का 34 वचन और 36 वचन, ये वचन मेरा आपको मालूम है, मैं ज्यादा उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं हां, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। देखिए, जो कोई पाप करता है पाप का गुलाम है। अब ये दुनिया में जो भी जन्मा पाप में जन्मा और पाप करता है पाप का गुलाम है ही। अभी इस गुलामी से हमें कौन मुक्त करेगा, है ना। इस मुक्ति के लिए लोग काम काम कितना कितना भागदौड़ करता है, लेकिन उनको नहीं मिलता। लेकिन ये छुटकारा कौन देगा? 36 वचन, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। कितना बड़ी बात है, पुत्र के द्वारा ये इसमें से आजादी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसकी आजादी है। आज दुनिया को ये बात मालूम नहीं, दुनिया ये बात को नहीं जानता। भैया एक बात का आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु में आने के बाद, है ना, अगर हम मानो सच में उद्धार पाया है तो हमारे जीवन दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बनना चाहिए, एक आदर्श बनना चाहिए। दूसरे लोग हमारे जीवन को देख करके सच्चाई जानने के लिए इच्छुक बनना चाहिए, है ना। हम लोग कहाँ पर पढ़ा था, हम पाप का गुलामी में पढ़ा था, है ना, हम अंधकार में पढ़ा था, है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन हमको मालूम है, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति मिला है। कौन सा ज्योति? अद्भुत ज्योति में, हम अद्भुत ज्योति में है। कितना बड़ी बात है, हम लोग उस ज्योति में चलने कारण आनंददा के बात हमें दिखता, ज्योति में सब बात दिखता, अंधेरे में रहने वालों को दिखता नहीं। प्रियो आज हमारा आनंद देख करके मेरे को कई बार लोगों ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत आनंदित हैं, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया। मैंने उनको बोला मैं आत्मा में हूँ, है इसको मतलब क्या, तो उनको आत्मा में रहने का अर्थ क्या मालूम, मतलब मैं एक मानो उसके लिए मार्ग खोल दिया। फिर एक बात आपको बताऊँ, हमेशा लोगों के चेहरे पर आप देखो लोग बहुत टेंशन में रहता, बहुत उदास और निराश रहता, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, पहली बात हम दूसरा जो भी देखते हैं उसको एक स्माइल करना चाहिए, है ना, एक स्माइल करना चाहिए, फिर वो स्माइल बना रहना चाहिए, है ना। पर तो कई बार लोग मानो एक स्माइल फेस तक नहीं, है ना, ऐसे नहीं पी बहुत सीरियस मूड है, ऐसे होना चाहिए नहीं, नहीं। दूसरे लोग प्रियो पत्रवाह कार्य के टाइम पर भी लोग विरोध में बात करने के टाइम पर भी सवालों का चेहरा स्वर्गदूत के जैसे चमक रहा था, है कोई भी प्रतिकूल में चाहे हमारा कोई बदनाम करे निंदा करे कष्ट दे तभी भी हमारे चेहरे कैसे हो रहा चमकना, आत्मा में रहना सीखना। आत्मा में रहेगा तो कोई भी तकलीफ में क्यों ना हो। मैं आपको बोलता हूँ अभी करूं थोड़ा तकलीफ है तो तकलीफ को बढ़ा कर करी गए, अरे कितना बड़ा तकलीफ है भी कुछ नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ा मेरे साथ है। वो तकलीफ मुझको निराश नहीं कर सकता, दुखी नहीं बना सकता, बड़ी बात है ना। हम लोग सच में आजादी पाए हुए लोग हैं ना, हमें कोई भी प्रकार का, मैं आपको बोले ना, मेरा बहन जब मतलब उस कैंसर में इतना तड़पता था, असहनीय पेन होता था, अभी भी वो हंसता था, वो डॉक्टर लोग बोलता है कि लिसी तुम इतना ऐसा ऐसा हंस सकता, वो बोलता है मैं आत्मा में हूँ, मैं प्रभु में हूँ। वो हिंदू डॉक्टर लोग भी चकित हो गया, मानो ऐसा हमने कभी देखा नहीं। ये बात है प्रियो, वो असहनीय वेदना में भी हम प्रभु में, और ऐसे किया ना, इतनी वेदना में वो हमेशा प्रभु में मगन रहता था। वेदना किसको नहीं होता, वेदना होता है प्रियो, लेकिन उसे बढ़ करके प्रभु का जो हमारा प्रेम जो है उस पर विजय पाने के लिए हमें मदद करता। देखा कितने बड़ी बात है, अभी प्रभु ने मतलब इसराइल के लोगों को इतना भयानक गुलामी से छुड़ाया, छुड़ा करके क्या किया प्रभु ने,
मतलब कैसा उनको चलाया शुरुआत के बाद में उसका आठ अध्याय का मतलब अनुवाद आठ अध्याय का दूसरा वचन का शुरुआत पढ़ा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए मतलब तुझे चलाया हुआ बात तुम याद करना कौन सा शब्द है आपका और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है बस 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 मतलब तुझे कैसे चलाया तुम याद करना नहीं समझा पर एक पॉइंट है तुझे प्रभु ने उस मरु यात्रा में कैसे चलाया तुम याद रखना आप देखिए प्रियो उनको 40 साल प्रभु ने उस मरुस्थल में चलाया उस समय में उसका चार वचन पढ़ना आठ के चार देखा तेरा वस्त्र पुराना नहीं हुआ और तेरे तन से भी कभी नहीं गिरे है? तेरे तन से भी कभी नहीं गिरे देखा अभी आप बताओ आप थोड़ा सोचो प्रियो है? ये 40 साल उनका वस्त्र मतलब फटा नहीं और गिरे नहीं और तेरा पाँव फूले नहीं देखा आप सोचो अभी आप देखिए अभी वहां से निकलने के टाइम पर एक बच्चे का एक साल की उम्र था है? एक साल की उम्र में वो क्या पाया अभी आप सोचो है? अभी जैसे अभी एक साल का बच्चे का पांच साल का बच्चा मरा होगा तो पाल नहीं सकता पर तो क्या हुआ मैं विश्वास करता हूँ जैसे जैसे वो बढ़ते गया वस्त्र भी बढ़ते गया है जैसे जैसे वो बढ़ते गया उसका जूता भी बढ़ते गया है जैसे जैसे वो बढ़ते गया उसका जो भी पाना था वो सब बढ़ते गया हम देखो भी हमारे प्रभु क्या नहीं कह सकते ये बात सच्ची बात है ना प्रभु का वजन जो था और इतना साल मतलब चलने के बावजूद भी उनका पाव सूजन नहीं हुआ है ना कितना अद्भुत बात है प्रभु चलाता है मतलब प्रभु मुझे चलाता है करके एक बड़ा गवाही चाहिए ना है कोई भी छोटा कोई बात आज बहुत लोगों को क्या है छोटा कोई समस्या आ गया तो वो बस उनका आत्मीय जीवन खत्म उनका उत्साह खत्म ना वहां पर रुक जाता लेकिन नहीं जितना भी प्रतिकूल में भी हम दौड़ते रहे एक अच्छा दौड़ने के लिए क्या चाहिए ये सब आशा है ये वजन में हमें पूरा भरोसा है तो वो आशा हमारे जीवन में काम करेगा वही बात प्रभु हमारे साथ है ये बात को हमेशा यकीन करना आपको मालूम है हमारा इस यात्रा में मोशा हमेशा प्रभु को बोले होने के याद एक शब्द याद होगा निर्गमन 33 अध्याय उसका 1500 वचन उसने उसे कहा हाँ, यदि तू आप न चले हाँ, तो हमें यहाँ से आगे न ले जा देखा हमको आगे जाना है तो आप हमारे साथ रहे कितना बड़ी बात है प्रभु हमारे साथ है करके हमारा जीवन में हमें रोज हर कदम में अनुभव में लेना है ये एक बड़ी बात है प्रियो हम लोग कभी भी कहीं भी जाता है तो अकेला मत जाना यीशु मसीह को साथ लेकर जाना यीशु मसीह मेरे साथ मुझ में एक ही नहीं ये बात को याद रखना है प्रभु के साथ में चलता हूँ ये बात को हमें यकीन करना है मेरे जीवन में जो भी बात आएगा अब मेरा प्रभु मेरे साथ है तो कोई भी मुसीबत भी क्यों ना हो पार हो जाएगा अभी देखो मतलब हमने प्रभु से प्यार नहीं किया प्रभु ने हमसे प्यार किया सही बात है ना तो प्रभु से हम प्यार पाया है तो हम प्रभु को प्यार करना चाहिए क्यों करना चाहिए और आप दाविद को पूछेगा दाविद आप बोलते हैं ना मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्यों करता हूँ वो एक बड़ा लंबा लिस्ट देगा क्या लिस्ट देगा मालूम है ना जब 18 भजन संगीता का 1-2 भजन 18 भजन संगीता 1-2 भजन हे परमेश्वर हे मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ देखा अभी पहले बात वो बोलता है कि हे परमेश्वर हे मेरा बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ देखो प्रभु से प्रेम पाया हुआ दाविद पहले बोलता है प्रभु तू मेरा बैल है मैं इसलिए तुझे प्रेम रखता हूँ अभी आगे परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या है एक छोटा लिस्ट है यहोवा मेरी चट्टान देखा यहोवा मेरे लिए कौन है चट्टान मतलब मैं जहाँ पर खड़ा है वो कीचड़ नहीं है मैं डूबेगा नहीं मैं चट्टान पर खड़ा हूँ ठीक है प्रभु ने मैं चट्टान पर खड़ा किया और नया गीत हमारे होठों में लिया है ना प्रभु मेरा चट्टान है
बोलेगा तू मैं जहां पर खड़ा है एकदम स्थिर जगह है, वो किसी प्रकार भी भूकंप होगा तो भी कुछ नहीं होगा। है कुछ भी बात है, प्रभु मेरा चट्टान, प्रभु मेरा चट्टान, देखा प्रभु मेरा गढ़, प्रभु मेरा गढ़, प्रभु मेरा छुड़ाने वाला, तीन हो गया, मेरा ईश्वर, प्रभु मेरा ईश्वर है, मेरे चट्टान है, ना देखा मैं उसका शरणागत हूँ, देखा वो मेरा ढाल है। अभी बोलेगा तो इस जीवन की यात्रा में कोई भी बाधा आएगा तो वो मेरा ढाल है, वो मेरा ढाल है, और मेरे मुक्ति का सिंह, देखो मेरा मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है, देखा बोलो तो मेरे लिए मेरा प्रभु सब कुछ है। हैं हम कितने भक्त लोग बोलेगा आपको मालूम है, केरल में कई ऐसा जगह है जो वहां पर मानव जंगल के मार्ग में चलना पड़ता और उस मार्ग में मतलब हमेशा गाड़ी में नहीं रहता। वहाँ पर एक गरीब घर है, मतलब चार बच्चा माँ बाप, वो कम से कम 8 किलोमीटर चल करके संगति में आता, 8 किलोमीटर है, और कई बार जंगली हाथी मार्ग में खड़ा रहता। देखो इनको देख करके वो लोग को हाथी चढ़ा जाता, ये एक दो बार नहीं, एक दो बार नहीं, जबकि वो रास्ते में जाने वाला गाड़ियों को तक हमारा हाथी आकर के मार देता। परंतु कई सालों से आप देखो फिर भी इनको डर नहीं है, वो बोलता है प्रभु मेरे ढाल है, प्रभु हमको बचाता है, हमको कोई घमंड नहीं। परंतु प्रभु उसको हुक्म देता है मेरा लोग है छूना नहीं। अब देखो अभी वो मतलब रोज संगति में आता और रात को उसी मार्ग में, उनके पास पैसा भी नहीं, पैदल जाता। अभी आप देखो फिर है ना, वो है भक्ति, वो है भक्ति। अब लो इधर अच्छा सुविधा रहेगा तो भी लोग ऐसे नहीं करता। अभी मतलब और वो लोग जब आता है ना उधर, जो भी लोग देखता है तो मतलब एक बच्चे को उड़ा के लाना पड़ता, छोटा बच्चा है 8 किलोमीटर कहाँ चलेगा, लोग भाग करके जा करके उनको ले लेता है, उनको प्रेम देता, बहुत बड़ी बात है, गरीब लोग है। अब देखो परंतु प्रभु को पाने के बाद में उनका उत्साह देखिए है, वो एक मीटिंग नहीं छोड़ता, इतना खतरनाक मार्ग में चलता। अरे वो लोग बोल सकता है कि मतलब हम तो दिन भर आराधना में आएंगे, शाम के टाइम पर हमसे नहीं होगा क्योंकि हाथी है, जंगली जानवर है, वो नो उनको विश्वास है, कई सालों से चल रहा है। आप देखो कितना अद्भुत बात है, हम लोग छोटी छोटी बहाना मिल गया तो हमारा रास्ता बंद हो जाता, चेता एकदम बंद कर देता। प्रियो प्रभु हमको चलाने वाला, ये वो मेरे चरवाहे करके कौन लोग बोलेगा प्रियो है, प्रभु चलाता है क्या है, दाविद बोलते हैं वो मेरा चरवाहा है, है? प्रभु ने मुझे इसराइल की चरवा होकर नियुक्त किया, परंतु मेरा चरवाहा है वो भाई, कितने बड़ी बात है ना। तो इसराइल लोगों को प्रभु चलाया, प्रियो प्रभु ये जंगल के मार्ग में चलाया, कैसे चलाया मालूम है, उसका 8:05 अनुवाद, उसका 8:05 बोलने का अर्थ क्या है, तुम्हारा परमेश्वर एक पिता अपनी बेटे को ताड़ना देता, ऐसा प्यार दे करके तुझे चलाता। बोलने का मतलब तेरा परमेश्वर एक पिता का तुल्य है, तेरा परमेश्वर तुझे एक पिता का तुल्य प्यार करके चलाता है। प्रियो ये भी एक अनमोल बात है ना, एक पिता का प्यार दे करके चलाने वाला परमेश्वर है हमारे जीवन में। जरूर हम लोग देवी भी बच्चों को कभी कभी ताड़ना देता है, डांटता है अच्छा बनने के लिए, परंतु उनका ना समझे कारण वो अपने को दुश्मन समझेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है, ताड़ना देता है, किस लिए देता, उनकी भलाई के लिए है ना। इसलिए जब इसराइल लोग परमेश्वर की बातों से दूर गया, भटकने लगा, तब प्रभु ने उनको ताड़ना दिया है ना। वो ताड़ना भी उसका 15 वजन का, कोई 15 वजन का भी पाठ पढ़ना, शुरुआत पढ़ पा रहे
और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाली सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चमक की चट्टान से जल निकाला। देखो बोलने का अर्थ, उनके जीवन में कई प्रकार का समस्या आया है ना। बिच्छू थे, बहुत बड़े भयंकर जंगली सर्प थे, है ना। ये प्रतिकूल वाला उनके जीवन में आया, पर तो कौन लेकर आया? प्रभु लेकर आया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इतना भी भयानक प्रतिकूल में और वहां पर भी जब पानी नहीं है, पर तो प्रभु ने ऐसे चट्टान से पानी दिया, बोलने का मतलब वहां से उस चट्टान में पानी का बूंद मिल नहीं सकता, पर उसमें से भी प्रभु ने उनके लिए पानी निकाला। हमारा प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है ना। इतना अद्भुत रीति में चलाया गया वो लोग है, इतना अद्भुत रीति में चलाते चलाते प्रभु उनको एक सुखा जगह पर लेकर नहीं गया, प्रभु उनको कहां पर लेकर गया मालूम है? प्रभु उनको एकदम उसका 8:7-9 देखा, तुम्हें प्रभु ये कष्ट में होगा तो कहां जा रहा है? एक उत्तम देश में जा रहा है। आप देखिए, जरूर तुझे थोड़ा दिन ये कष्ट में गुजरना पड़ेगा, परंतु तुम एक उत्तम देश में पहुंच जाएगा। इतना बड़ी बात है। वो देश का भूमि जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे जोतों का देश है, फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की कटी होगी। वहाँ की पत्थर लोहे के है और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेड़ पर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। देखो बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत बड़ा आशीर्वाद जगह में जाने वाला है। हरान देश स्वर्ग का या मतलब 1000 साल का राज्य का कोई छाया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक बात जाना, अभी हमारे लिए मिला वो बात कितना श्रेष्ठ है, कितना अतुल्य बात है। इनका बात एक छाया का है, पर तो हमारे लिए जो वचन और वायदा कितना अद्भुत प्रकार का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर सही निधि में जानेगा तो अभी भी लोगों ने नहीं जाना, ये बात है जानना चाहिए। प्रभु के लोग अपने भविष्य के बारे में एक सच्चा ज्ञान रखना चाहिए, है ना। पर तो प्रभु को मालूम है, ये लोग जब खा पी कर तृप्त तो होगा तो मुझे भूल जाए, है ना प्रियो। ये एक शक्ति चेहरा भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम प्रभु को ना भूले, है ना। प्रभु को कभी ना भूले, उसका 8:11 इसलिए सावधान रहना कि ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और देखिए तुम प्रभु को भूलेगा। देखा है, प्रभु को भूलेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी ये बात सच है, जो दरिद्रता में है, कंगाल अनुभव में है, उस समय में प्रभु का भक्ति के लिए मानो वो लोग उत्साही है। मैंने अपने बीच में पवित्र लोगों के जीवन में मैंने ये बात को देखा, वो लोग जब कष्ट तकलीफ में था ना, हमेशा सगरी में आता था, एक अच्छा गवाही के जीवन बिताता था, लेकिन थोड़ा कुछ आशीष मिला ना, ओ प्रभु की बात को ठान ले लेगा। सच्ची बात है प्रियो, ये वचन में लिखा हुआ हरेक बात सच्चे करके हम लोग बेहतर रीति में अनुभव कर रहे है ना। प्रभु इसलिए उनको चेतावनी दिया, तुझे तुम इन कष्टों से जब तुझे आशीष मिलेगा, खूब खाने के लिए पीने के लिए मिलेगा, है अच्छा तंदुरुस्त मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, तब तुम प्रभु को नहीं भूलना। आज कितने लोग दुनिया की आशीष पाने के कारण, जब कौन दिया? प्रभु ने दिया, लेकिन वो प्रभु को भूल गया। उसी अध्याय का 19 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, भूलकर मतलब भूलेगा, तुम भूलना नहीं, उसका 6:12 पढ़ना। तब सावधान रहना ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। देखो बार बार कहने वाले एक शब्द है, तू प्रभु को ना भूले। प्रियो
हम पिछले दिनों को परखकर देखेगा तो क्या हमने प्रभु को भूला हुआ अनुभव आया क्या है? हमारे जीवन में हमने प्रभु को भूलकर जीवन बिताया क्या? ये बात को हमें परखकर देखना है। मैं कभी प्रभु को भूल करके चलाया क्या? प्रभु को भूला हुआ अनुभव मेरे जीवन में आया क्या है? मतलब आपको मालूम है, जब दुनिया का आशीष आने के बाद में जाने अचान दुनिया का आशीष बोलेगा तो कई प्रकार का है। कुछ अच्छा नौकरी मिल गया, धन दौलत आ गया, नहीं तो थोड़ा ज्ञान आ गया, लोग घमंड में आ जाते। हाँ, हमको मालूम है घमंडी बनना, घमंड प्रभु सबसे नफरत करने वाली एक बात है। प्रियो, किसी भी कारण हमारे में घमंड नहीं आना चाहिए, है ना? ये भी चेतावनी, उसका 14 वचन पढ़ना, 14 वचन। अहंकार, अहंकार मीन्स घमंड। देखा, अहंकार नहीं आने के लिए मन में अहंकार ना आने देना प्रियो। कोई भी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर नहीं आना। अहंकार का बात है, आपको मालूम है, उसका 13 मतलब क्या है कि दुनिया की आशीष है ना, मतलब ये दुनिया का सुख जो लोगों में थोड़ा आ गया ना, वो अधिकतर लोग घमंड में गया है। ये तो मैंने मेरे जीवन में बहुत लोगों के जीवन में देखा है ना। बहुत लोग अच्छा अच्छा शुरुआत में आत्मीय जीवन बिताने वाले लोग धीरे धीरे से लंगड़ापन चार हो गया, बाद में प्रभु से एकदम दूरी हो गया, क्योंकि उनको अभी दुनिया मिल गया, अभी प्रभु का जरूरत नहीं। इसलिए अनेक देशों में आजकल मंडली में आने के लिए लोग नहीं, मंडली में भेज जाता है, वो शराब दुकान मिल रहा है, कपड़े का दुकान मिल रहा है। देखो कितना दुखदायी बात है, क्यों? लोगों को दुनिया मिला, दुनिया के आशीष मिला, लोग प्रभु को भूल करके दुनिया का रीति में नाचने लगे, कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, है ना, हम प्रभु को पहली बात नहीं भूलना और कभी भी घमंडी नहीं होना। अहंकार बहुत लोगों में इतना अहंकार भर जाता है, है? मुझ में अहंकार है क्या? मैं ऐसा घमंडी है क्या? दुनिया का धन मुझको घमंडी बनाया क्या है? जब भजन संहिता में 62 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ पढ़ना, चाहे संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगा। हाँ, यदि संपत्ति अगर बढ़ गया तो भी मन उसमें ना लगा, मन उसमें आ गया तो गया, वो प्रभु के मार्ग से बंद जाएगा। प्रियो, आज हमें मिलने वाले चेतावनी बहुत सावधानी से हमें पार करना है ना, है ना? कई लोगों का पूरा उसी पर उनका मन भर जाता है, प्रभु के और उनका मन एकाग्र होता ही नहीं, और उनको प्रभु मुझे चाहिए ऐसा एक इच्छा तक नहीं होता है, सब धीरे धीरे। इसलिए ना कई लोग दुनिया का सुख जिसका जीवन बढ़ जाता ना, भरी बात वो सुबह उड़ेगा नहीं, सोते रहेगा, वो सोते जो सुबेरे उड़ करके प्रभु का उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का स्तुति आराधना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता ना, वो एक सच्चा भक्त नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनेक दिन सुबेरे उड़ने के बाद में हमें प्रभु के साथ समय बिताना कितना अच्छा लगना चाहिए। हमारे यीशु मसीह माना क्या करता था, सुबेरे उड़ता था। पवित्र लोग, आप चेला लोगों का जीवन देखेगा तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करने वाले थे। याकूब के बारे में लिखा है कि याकूब का मतलब चरित्र में लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, मतलब उनका घुटना जो है ऊंट का घुटना ही था, बोलेगा तो इतना प्रार्थना में लेके रहता था। आजकल लोग घुटने में रहता ही नहीं, सब लोग इंडिया के लोग तपस्या जैसा बन गया है। प्रियो, बहुत गंभीर बात है, पौलुस बोलते हैं मैं उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक सच्चा प्रार्थना जीवन बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर प्रार्थना नहीं है ना, वहाँ पर वास्तव में प्रभु की संगति नहीं। प्रार्थना जीवन कितना अनिवार्य है, ये बात को जानना।
है ना, सुबेरे प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो कितना बड़ा आदर से भर जाता है। आज सुबेरे कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में गया और प्रभु के साथ बातें किया, आपको मालूम है ना उस पहाड़ में मतलब पत्रोस याकूब और यूहन्ना क्या बोलता, हम यहाँ पर है ना, अच्छा है। प्रभु की उपस्थिति का गौरव जानने वाला बोलेगा हम प्रभु के साथ रहना अच्छा है। प्रार्थना जीवन में एक बड़ा खूबी है, प्रार्थना जीवन हमें बिल्कुल प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से अनुभव पाने वाला एक एक अनोखा अनुभव है। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, पिछले दिनों से बैठ करके अच्छा आप सबको प्रार्थना चाहिए ना, सब लोग बोलते ना, मैं तो बोलता हूँ आप लोग मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना करें, मुझे आप लोगों के सबको प्रार्थना करें जरूर दे भाई, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। मैं दूसरे से भी प्रार्थना चाहता है तो उससे बढ़कर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। प्रेज लॉर्ड, ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रार्थना की जरूरत है, हमें सबको प्रार्थना की जरूरत है। ऐसे है तो दूसरे को भी जरूरत जान करके हमें प्रार्थना जीवन में जाना चाहिए ना, ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग प्रभु का वचन एक चेतावनी इसलिए लोगों को दिया, वो क्या मालूम है उसका आटा दिया ग्यारह बजे उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। हाँ, बोलने का मतलब तुम वजन को तुच्छ नहीं करना, तुम वजन को तुच्छ नहीं करना, जो वजन तुझे दिया है वो वजन में पहना रहना, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो है। प्रभु ने बताया वो वजन मानने में हम कांत गुणसाई है, आज भी बहुत लोग वजन सुनते हैं पर जो उस वजन पर चलते नहीं उसका बीस वजन भी बढ़ना जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उन्हीं के सामने तुम भी अपने उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो ना मानने के कारण प्रियो वजन नहीं मानेगा तो नुकसान है। अरे एक बहुत लोग जानना प्रियो वजन नहीं मानना बड़ा नुकसान है, बहुत लोग इन बातों में इतना सावधान रहना चाहिए है। प्रभु हमें जो कहा हुआ वचन मानने में मैं कांत गुणसाई था, आज बहुत लोगों को बहुत से वचन मालूम है पर जो वचन में बहरा नहीं रहता, वचन मानता नहीं, आज मैं प्रभु का वचन को मानता है कि नहीं ये बात को हमें परखना, वचन मानना, जब वचन मानेगा नए नियम में क्लियर व्यवस्था है ना, आज प्रभु का संगति बहुत लोग अनुभव क्यों नहीं करता क्योंकि वजन नहीं मानता, और वह मानेगा तो क्या होगा, यूहन्ना 14 का 21 आपको याद है ना, उसके पास वह आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। देखा जो व्यक्ति क्योंकि प्रभु का लोगों को प्रभु ने वजन दिया है वो वजन उसके पास है, प्रभु का दिया हुआ वजन आज हमारे पास है कि नहीं परखना, और वो वजन बस पास रखना उतना नहीं वजन मानना, मानेगा तो क्या होगा, वही उससे प्रेम रखता है। हाँ देखा बोलो वजन मानने वाला कौन है, प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु को प्रेम करने वालों के एक चिन्ह है वो वजन मानेगा, बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं मानता है तो उसको प्रेम नहीं करता, ये बात सच्ची बात है ना, प्रेम प्रियो बहुत बड़ी बात है। अभी अगर मानेगा तो प्रभु क्या बोलता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हां उसका 23 वचन यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा अभी मोशे ने बोला प्रभु आप हमारे साथ नहीं है तो हमको यहाँ से नहीं भेजना, ऐसे बोलने का हमको जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ आएगा, किसके साथ आएगा जो वजन मानेगा। देखो कितना आसान बात है, प्रभु मैं तेरा वजन मानता हूँ तू मेरे साथ चल, ऐसे बोलने की जरूरत है नहीं है ना, अभी हम इकट्ठा हो गया प्रभु हम लोग इकट्ठा हो गया अभी तू आ जाओ, ऐसे बोलने की जरूरत है नहीं है ना, वो है ना हमारे पास, हमें प्रभु ने दिया वजन को, प्रभु बोला है 2 या 3 दिन मेरे नाम पर जहाँ प्रभु है मैं उनके बीच में हूँ, मैं आएगा इसलिए बोला मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम प्रभु का वचन मानते हैं प्रभु अभी आप ही चलो ना, ऐसे बोलने की जरूरत है नहीं है ना, वो हमारे साथ है। क्या सुंदर बात है, नए नियम का भक्तों का अनुभव कितना श्रेष्ठ है,
है ना। तो यहाँ पर प्रभु बार बार इसराइल को चेतावनी देता था, और एक चेतावनी क्या मालूम है, अगर हम आशीष दुआ तो भी उसमें घमंड करके घमंड की बातें नहीं करना है ना। उसका 8:17 अनुवाद 8:17। हाँ, और कई ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे इतनी संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही बुद्धिबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। देखिए प्रियो, यहाँ पर विषय आपको मालूम है, यहाँ पर हम लोग जो भी हासिल हुआ ये मेरा परिश्रम से, मैं दिन रात मेहनत करके आया करके कोई ना बोले है, ये मेरा परिश्रम का फल लेकर के कोई ना बोले। ये सब अभी हमें परिश्रम करना, काम करना, ताकत कौन देता? प्रभु देता। बहुत बड़ी बात है, प्रभु देते बिना किसी के पास कुछ नहीं रहता है ना। इसका मतलब हमें हर एक बातों में हर समय प्रभु को महिमा देना आना चाहिए है। कभी भी अगर किसी प्रकार के भी आशीष मिले तो भी वो कभी भी घमंड करके है, मैं दिन रात है बहुत परिश्रम करके ये सब कुछ मैंने कमाया, वीडियो के लिए कमाया, ऐसे कोई भी कभी नहीं बोलना है। ये सब प्रियो, प्रभु अगर हमें आशीष दिया प्रभु को महिमा देने चाहिए, इसलिए हमारा कर्तव्य वहां पर कुछ बातों में प्रभु ने बोला। वापस एक बार 8:5 पढ़ना। फिर अपने मन में यहाँ विचार कर, विचार कर मतलब तुम इस बात को ध्यान देना, प्रभु इन कष्ट मुसीबत में मुझको कैसे चलाया उस बात को तुम याद रखना। तेरा ध्यान में प्रभु को याद करके तुम्हारे जीवन को बिताना प्रियो। कष्ट के दिनों में, नष्ट के दिनों में है ना, परेशानी के दिनों में प्रभु मुझको कैसा कैसे संभाला, ओ ये बात याद करना चाहिए, वो बात याद करना चाहिए। इतना नहीं, हमारे जीवन में हमने जो भी प्रभु से पाया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। 8:10 पढ़ना। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। देखो वहां पर उसको धन्यवाद करना, क्या करना? धन्यवाद करना। वो कई बात कई शब्द पढ़ने के टाइम आपको इतना उसमें आपका उसमें पढ़ने में अर्थ शरीर में समझ में नहीं आएगा, वहां पर उस कारण तू उसको धन्यवाद देना, उनका स्तुति करना, प्रभु का महिमा करना है। उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा करने का, हाँ मतलब धन्यवाद देना, हाँ प्रभु को धन्यवाद देना। हम तो हर अवस्था में धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखिए अभी इसका मतलब उन लोगों को वचन को पूर्ण रूप में दिल से मानना चाहिए है ना। वापस एक बार उसका 8:1 का मानो वचन, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। देखा, जो भी वचन में तुम्हें देता है उस वचन पर चलने की चौकसी करना। देखिए प्रियो ये कितना बड़ी बात है, आज ये बात है क्या है? क्या ये सिर्फ पुराने लोगों का नियम के लोगों के लिए था है? आज भी वो बात है, आज भी हमें प्रभु का वचन को पूरा दिल से मानना है, वचन पर बना रहना है। आज भी लोगों को, कई लोगों को सही रीति में ना समझने कर प्रभु का वचन को लोग तुझसे जानने लगा। प्रियो ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदियों को क्या बोला? योहन्ना 8:31-32 वचन, योहन्ना 8:31 उसका 31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में बना रहने वाला व्यक्ति के लिए प्रभु का सभी आशीष है। आपका जीवन अगर एक हरी भरी भरी रहना है तो आप वचन पर बना रहना, आप प्रभु के वचन पर बना रहते हुए आप कभी भी आपको सूखापन का अनुभव में होने नहीं देगा। आमें। 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 प्रभु का वायदा है, आज हमको परखना है। देखिए पहले बात
आज एक भक्त के लिए उनका सारा स्रोत प्रभु है, है ना। प्रभु में हमारा स्रोत है, वो आपने पाया। अब प्रभु की उपस्थिति में अगर जा करके प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकता है, प्रभु के साथ नाता जोड़ जो हमारा ऐसे ही रखता है, मैं आपको बोलता हूँ कदम कदम पर आप प्रभु को बहुत गहरा अनुभव में चले। वो लोग कभी भी किसी कारण से भी प्रभु से दूर होने मतलब दूर कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। आज उस प्रकार का एक स्रोत के रूप में प्रभु को मैं अनुभव करता है। ये वजन में लिखा हुआ हरेक वजन सत्य है। जब 87 का सात वजन दो दिनों से वो वजन पढ़ा नहीं, आप लोगों का याद में होगा, आप लोग ना भूलने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़िए, हमारे सब सोते, हमें इधर उधर जाना पड़ेगा नहीं, हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे लिए सारे स्रोते तुम्हारे पास है, पर प्रभु की ओर से हमें सब कुछ उपलब्ध है प्रिय, सब कुछ। आप बताओ ये प्रभु का लोगों के प्रति एक बड़ा प्रबंध है। वही बात को मारे एक अलग प्रकार आशीर्वाद का वजन उसका 57 में भजन संहिता 57 का दूसरा वजन का भी पाठ, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखा, जो मेरे लिए सब कुछ, थोड़ा थोड़ा मात्री सब कुछ सिद्ध करता है, बोले का मतलब हमारा शरीर जरूरत प्रियो प्रभु को पूरा करता है, प्रभु की ओर से ही ये सब काम होता है। ये अनुभव भक्तों का जीवन में बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। डिक्लेरेशन में ऐसे एक सवाल रूप में एक वचन लिखा है, उसका दूसरा अध्याय डिक्लेरेशन उपदेश है, उसका दूसरा अध्याय का 25 वचन, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। नहीं, प्रभु देते भी ना नहीं, मतलब हो सकता है मतलब मेरा लिखने में आया हुआ गलती हो, लेकिन दूसरा अध्याय उसका मतलब मेरा इसमें 25 वजन बराबर है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। आगे। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। मतलब वाह, वह देते बिना कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन अनुभव करेगा। एक बहुत गहरा वचन है वो, आपको उसमें आना चाहिए। मतलब प्रभु देते बिना कौन खाएगा और कौन अनुभव करेगा। मराठी में मतलब क्रेशंस 2:25 प्राप्त हुई, मतलब प्रभु देते बिना कौन खाएगा और कौन अनुभव करेगा, बराबर। मतलब बोलने का अर्थ ये प्रयोग, कौन देता, प्रभु देता। समरिया में जब आकार हुआ, राजा को लोग बोलने लगे, राजा भूखा है हमें कुछ दो। राजा बोलते हैं, अरे प्रभु देगा तभी तू खाएगा, मैं भी प्रभु देगा तभी तो खाएगा, हमको सबको प्रभु देता है तभी खाएगा। कितने बड़ी बात है, कितने बड़ी बात है। आज नया नियम का मंडली का इस पुराना नियम की मंडली से कितना एक अलग बात है, वो दर्जे का एक मौत का बात भी आपको, क्योंकि मतलब पुराना नियम की बात हमारे लिए चेतावनी है, तो नया नियम की मंडली की अवस्था कितना श्रेष्ठ है, कितना अद्भुत है ना। जब पड़ोसियों का पत्री उसका तीसरा अध्याय का 1-4 बजे पढ़ा, अतः जब तुम मसीह के साथ चिल्लाए गए स्वर्ग
स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या अनोखा बने। अब देखिए, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो मतलब मसीह जीवन वास्तव में मर करके जिलाया गया वो एक जीवन है। सही बात है, मसीह जीवन मर करके जिलाया गया हुआ एक जीवन। मतलब मैं मसीह के साथ मर गया। कब मर गया? जब मैंने समाचार सुन करके मेरा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर मेरा पाप अपने ऊपर लेकर सूली पर जब वो मर गया, तो मैं भी प्रभु के साथ मर गया। देखा, ये विश्वास, ये सुसमाचार पर मैंने विश्वास किया, ये संदेश प्रभु ने जब मेरे पास भेजा, तब मैंने विश्वास किया। जब यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह आ गया ना, नहीं मरा, यीशु मसीह के साथ मैं भी मरा। कितने लोग विश्वास किया? वो विश्वास है, मैं बचाता प्रियो। आप सोचेगा यीशु मसीह 2000 साल पहले मर गया, तो उस समय मैं थोड़ी था दुनिया में, ऐसे ही क्या? नहीं, ये सच्चा प्रभु की बुलाहट पाया व्यक्ति को प्रभु ये प्रकाश देता, बहुत बड़ी बात है। इसको मतलब मैं प्रभु के साथ मर गया, फिर क्या हुआ? मैं प्रभु के साथ जिलाया भी गया। है, कब जिलाया गया? है, उसका दूसरा अध्याय का पड़ोसियों 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। देखा, तुम भी जी उठे। खबर, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाने के बाद में यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाने वाला अनुभव में पानी में डुबा दिया और पानी से जब बाहर आया तो तुम भी जिलाए गए। देखा, जो व्यक्ति पापों के लिए मर गया, मरा हुआ व्यक्ति को क्या करता? कब्र करता, तो पानी में क्या करता? गाड़ देता। देखा, फिर पानी से बाहर लाता। पानी में आजकल गाड़ने वालों को 10 मिनट गाड़ कर रखना चाहिए क्योंकि वो मरता नहीं, कम से कम इतनी बार दे क्या होगा, सीधा कब्र से जाना। बहुत भयंकर बात है, हमें इस बात को जानना है अपने जीवन में मैं जिलाया गया है क्या। जब तक तो सही रीति में जिलाया नहीं जाएगा, तो जैसा अभी रोमियो 6:4 वचन में लिखा है, ताकि हम नया जीवन की तरीके के चाल चले। देखा, ये बहुत बड़ी बात है, जो वास्तव में मसीह के साथ मर गया और गाड़ा गया और जिलाया गया, तो व्यक्ति फिर कैसे जीवन बिताएगा? नया जीवन, नया सरीका का जीवन बिताएगा, नया सरीका का जीवन। इसका मतलब उसे पहले वो जो करता था, अभी वो काम नहीं करता, अभी वो हमेशा स्वर्गीय बातों का खोज में है। उसका ध्यान, उसका खोज पूरा स्वर्गीय बात है, क्योंकि अभी उसको मालूम है, अभी मेरा जीवन मसीह में होकर के पिता में छिपा हुआ है। हैं, बहुत बड़ा बात है ना भैया, आज मेरा जीवन यीशु मसीह है, बोले का मतलब अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है, ये यकीन करना है। जैसा अभी गलातियों 2:20 आपको सबको मालूम है ना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अबे भागदौड़ करने वाला पौलुस बोलता है, मैं चढ़ाया गया, अरे अभी तू इधर ही है ना, नहीं 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 मैं चढ़ाया गया। यीशु मसीह जब सूली पर गया, तो मैं भी उसके साथ चढ़ाया गया। अभी मैं जीवित नहीं, देखा, मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ये वो है एक सच्चा मसीह जीवन। आज हमें ये बात को पढ़कर देखना है, कौन मुझ में जीवित है,
अभी भी मैं जीवित है, आपका उद्धार हुआ ही नहीं। आप मसीह के साथ जिलाया नहीं गया, आप स्वर्गीय बातों में पहुंच में रह नहीं सकता, क्योंकि जब तक मर करके जिलाया नहीं जाएगा तब तक वो स्वर्गीय खोज में लगेगा ही नहीं। आज बहुत लोगों का जीवन को देखने के बाद में हमें मालूम पड़ता है वो स्वर्ग का खोज में नहीं है, है? यहाँ पर यीशु मसीह जब वो महिमा में प्रकट होगा वही लोग प्रकट होगा जो वास्तव में जिनमें यीशु मसीह जी रहा है या जिसका जीवन मसीह बन गया। ओ प्रियो, ये रियली जानना चाहिए। अभी एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूँ, उसको प्रभु का प्रेम जीने के लिए मरने के लिए कितना उत्साह रहेगा, एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपको कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि नया नियम की मंडली जीवन बहुत उत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट है। उसको मतलब मैं मसीह के साथ मर गया, मैं मसीह के साथ जिलाया गया और मैं मसीह में मेरा जीवन छिपा हुआ है और मैं आज मसीह में जी रहा हूँ और जब मसीह प्रकट होगा मैं भी महिमा में प्रकट होगा। ये बात है पड़ोसियों तीसरा अध्याय 1-4 तक वचन मिलाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस अनुभव में आया हुआ मैं अभी ये दुनिया में एक परदेशी है। क्या है? मैं दुनिया में अभी परदेशी है। अभी प्रभु ये भी आएगा, मैं वो महिमा को धारण करेगा, है ना? जब फिलिप्पियों तीसरा अध्याय के 20-21 वचन, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखिए अभी इसी प्रकार जिला गया हुआ व्यक्ति हमेशा अभी क्या बात का इंतजार में रहता, अपना स्वदेश का, हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक अभी आएगा नहीं तब तक मैं उस महिमा में प्रवेश नहीं करेगा। आज मैं एक परदेशी है, मैं एक यात्री है, अभी जल्दी मेरा प्रभु मुझे मेरे लिए आएगा, इसलिए वो तन मन से उस स्वर्ग का देश का बातों पर ध्यान दे करके जीवन बिताते। आज प्रभु की संगति का एक उदार पाए व्यक्ति को बहुत ज्यादा इच्छा रहेगा। आपको मालूम है, आप सबको मालूम है, दाविद हमेशा बोलने वाला उनका बिंदी इच्छा मतलब मांग क्या था, 27 वजन से कितने का 4 वजन है ना, मैंने यहोवा से मांगा है उसी की यत्न में लगा रहूंगा, जीवन भर मतलब मुझे हमेशा प्रभु का संगति चाहिए। प्रियो, आज आपके अंदर उस प्रभु की संगति के प्रति एक सच्चा तड़प है क्या? वास्तव में है प्रभु का संगति का तड़प, मुझे और भी मैं प्रभु को प्राप्त करूं, है ना? एक सच्चा भक्त का दिल में ये रहेगा। प्रियो, कितनों भी प्रभु को प्राप्त करने के बावजूद भी फिलिप्पियों का पत्र 3:12 वचन में पौलुस का दिल की तड़प क्या है, वो वचन पढ़ने के समय में हमको लगेगा पौलुस क्या अभी तक तूने प्रभु को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो कहा बोलता मालूम है 3:12, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो ये बोलने का अर्थ क्या है कि वे अभी भी पौलुस बोलता है अभी मैं कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है, वे और भी मसीह को मुझे प्राप्त करना है। कई लोगों को क्या हो गया, एक बार अगर बाइबल पढ़ लिया तो उनको लगता है कि मेरा पूरा हो गया, है ना? कितना घमंड की बात है, हजार बार पढ़ेगा तो भी कुछ नहीं हुआ है, होने का अर्थ प्रयोग। अगर हमें ऐसे लगता है नहीं 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 मेरा उदार भी हो गया, अभी मैं इतना तक मेरे से होता है, मैं अच्छा काम करता हूँ, ऐसे कुछ बात सोचता है तो गया हो, वो जाने अनजाने एक घमंड के आत्मा उसमें कार्य करने लगता। और रोज बोलता है उसके दिल में बड़ा तड़प है, कुरिन्थ लोगों के बीच में रहने के टाइम पर उनकी दिल की अभिलाषा एक ही बात पर है,
क्या बात है बोल में परिंदी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान। वो प्रियो मुझे मसीह को मारा जानना है, मसीह को ज्यादा प्राप्त करना है, इससे बढ़ करके मेरे लिए कुछ भी नहीं। बहुत गंभीर बात है, आपको मैं बताऊं मंडली एक बहुत गंभीर बात है, मंडली एक बहुत गंभीर बात है। मंडली का गौरव जानने वाला एकमात्र व्यक्ति सर परमेश्वर है, हमारा पिता है। उसको छोड़ करके कोई भी मंडली का गौरव नहीं जानता। मंडली में होते हुए भी मंडली के लोग मंडली क्या है अभी तक नहीं समझा। अरे जानेगा तो मैं आपको बदलना चाहता हूं, ये प्रकाश अगर मिल गया ना अब सब बदलेगा, बहुत भयंकर रीति में बदलेगा। हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब स्वर्गराज्य का जो वेदों के बारे में जब दृष्टांत बताया उसमें मत्ती 13 अध्याय उसका 45-46 वचन पढ़ना। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखिए ये व्यापारी कौन है? ये व्यापारी स्वर्गीय पिता है। प्रेज लॉर्ड। वो पिता ने एक मोती देखा, कौन है मोती? मंडली। मंडली वो मोती है, है? उसके लिए उसने अपना सब कुछ बेच डाला। पिता परमेश्वर का संपत्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। ये बात का प्रकाश मिलेगा तो है हमें प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय पिता ने उसकी सारा संपत्ति अर्थात अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। देखा है उधर पाए वो लोग, ये बात को थोड़ा ठीक से जानना चाहिए, ठीक से जानना चाहिए है। इतना बड़ा स्वर्गीय पिता का सारे संपत्ति का दाम है मंडली। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु में आने के बाद में जिस बात को जानना चाहिए वो ठीक से जानना चाहिए, है ना? उदार पाए वो लोग अनंतता का अच्छा प्रकाश पाकर के जीना चाहिए। अभी मैं एक खास बात आपको बदल जाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब एफेसियो का पत्री दूसरा अध्याय उसका छठा वचन, एफेसियो 2:6 और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। नहीं 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 इतना ही नहीं, आपका 5 से पढ़ना। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपने उस कृपा से अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए अपने साथ में, अपने अनुग्रह का वो असीम धन दिखाए। परमेश्वर का उस अनुग्रह का असीम धन है। अभी आपको मैंने कई बार बताया हुआ एक बात है, अलेक्जेंडर राजा के पास एक गरीब किसान मानव राजा के पास एक मांग लेकर के आया है। वो किसान का 3 बेटी है, तीनों बेटी बड़ा हो गया लेकिन किसी का शादी नहीं हुआ, सुना है? तब मानो उन्होंने सोचा अभी क्या करूं, राजा के पास जाकर के थोड़ा मिलते हैं, अगर राजा को दया हुआ तो मैं बच गया है। वो किसान उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उन दिनों में जब भी राजा को ऐसे मिलने के लिए जाएगा तो राजा को भेंट देना पड़ता है। अभी वो किसान बोला अभी मैं क्या भेंट लेकर जाऊँ है, तो उनका छोटा सा मानव घर में छोटा सा जमीन में एक झाड़ था कद्दू का, बड़ा एक कद्दू पंपकिन, बड़ा एक कद्दू है ना। उन्होंने बोला चलो ये कद्दू मैं राजा को देता, अभी उनके पास गरीब है। उन्होंने एक नया बोरी लिया और एक कद्दू उसमें डाला
सिर पर रख करके राजा को मिलने के लिए गया। राजा के मिलने के लिए गया तो राजा के पास जाकर के ये बोरी निकाल कर रखा और राजा को नमस्ते दिया और राजा को विनती किया, राजा मेरा 3 बेटी है, मेरा 3 के शादी होने का टाइम हो गया, लेकिन मैं गरीब है, पैसा नहीं, इसलिए शादी नहीं हुआ, इसलिए कम से कम पहले का शादी हो जाए, इसलिए आप थोड़ा दया करना। ये सुना तो अलेक्जेंडर राजा को बहुत दुख आया, मेरे राज्य में ऐसे लोग इतने गरीबी में। राजा ने तुरंत ऑर्डर दिया, सिपाही को बुलाया, बोला इसको वो सोने का कॉइन का भंडार है ना उधर ले जाना, और जो बोरी लाया वो कद्दू जब निकाल कर रखो, वो बोरी भरकर दे, बोरी भरकर के उसको सोने का कॉइन दे दो। सिपाही लेकर के भंडार के पास गया, उधर जाने के बाद में एक किसान को बोला बोरी पकड़ो, बोरी पकड़ा, उसने एक बेचा कॉइन डाला, अरे दो चार दे रहे था, बस 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 बस, वो सिपाही बोला मेरा गला काट जाएगा, पकड़ो जल्दी है, पकड़ो जल्दी है, पूरा बोरी भर करके दिया है और उसका सिर पर दिया। और अलेक्जेंडर राजा ने क्या बोला मालूम है, अगर कोई मेरे पास अपने गरीबी बोल करके आएगा तो मैं अपनी धन और महिमा के अनुसार उसको दूंगा। अलेक्जेंडर राजा ने अपनी धन और महिमा के अनुसार दिया हुआ, वो गरीब व्यक्ति का अवस्था क्या अभी है, इतनों को बड़ा करोड़ रुपये मिला क्या मिला, यो ऐसा है तो परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन प्रभु हमें दिखाने जा रहा है। अब उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अभी प्रभु वहां पर हमारे लिए महल बनाया हुआ है, बराबर है, महल वहां पर क्या बनाया है, महल बनाया, तो प्रभु ने हमको लेकर जाएगा, महल है, महल में लेकर जाएगा। हम जाते वाला एक रूम में गया, अरे ओ हो ये क्या है प्रभु, ये क्या है, क्या है, क्या 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 बात है, बाप रे ये महल में, ये रूम में क्या क्या बात है, बाप रे प्रभु, डैडी ये किसका है, ये तेरे लिए है, तेरे लिए, फिर चलो है आगे, और दूसरा कमरा, ओयो ओयो बाप रे ये तो उससे भी 10 गुना बड़ी कर, ओयो डैडी ये किसका है, तेरा है, फिर चलो चलो चलो, आने वाला युगान युग चला करके दिखाएगा तो भी मेरा स्वर्गीय पिता का अनुग्रह का असीम धन का पूरा नहीं देख पाएगा। क्या समझा प्रियो, क्या समझा आपने, वो दिखा करके वो शब्द पड़ेगा तो आप मालूम है, मैंने दिखा कर खत्म होने वाला बात नहीं, दिखाते रहेगा। प्रभु अपने भक्तों के लिए तैयार किया हुआ वो बात इसलिए बोला है, इसके आंख से देखा नहीं, कान में सुना नहीं, चित्त में चला नहीं, प्रभु कैसे है, अब देखते 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 आने वाला भविष्य का युगान युग देखते रहेगा तो भी देखकर खत्म नहीं होगा, ऐसा आशीष मेरे लिए आपके लिए प्रभु रेखा हुआ है, वहां के लिए बुला रहा है। परंतु शैतान क्या करता है, वो बात को देखने नहीं देता, इधर बोलता है देखो मैं तुझे इधर ही दे दू, इधर देखो आज इधर का आशीष, अभी देखो आनंद काल भी देख करके कदम नहीं कर सकता, फिर अनुभव कैसे करेगा। आने वाला युगान युग हमारे आशीष को हम देखते देखते कदम नहीं होता तो फिर अनुभव में, अयो समझना बहुत मुश्किल है भैया। अरे तो वो बात हम ना आने के लिए शैतान क्या करता मालूम है, शैतान ये दुनिया की बातों में हमें अटका देता, देखिए ये आपको मालूम ये दुनिया के सारे आशीष को देखने के लिए कितना टाइम चाहिए है, एक शन, एक शन।
दुनिया के सारे आशीष देखने के लिए एक क्षण काफी है, सही बात है ना? आपको समझ में नहीं आया, लूका 4 अध्याय उसका 5 वचन, लूका 4:5। तब शैतान उसे ले गया, हाँ, और उसको पल भर में, देखा, पल भर में जगत के सारे राज्य निकाले। दुनिया का सारे बात देखने के लिए क्षण पर कमी है, और जो मेरे प्रभु मेरे लिए तैयार किया वो बातों को देखने के लिए क्षण नहीं, हजारों साल नहीं, युगान युग नहीं, अनंत युग तक देखता रहेगा, तो भी काम नहीं होता। कितने लोग समझ पाए? अरे आपको समझेगा तो आप उड़ी मारेगा, आप खड़ा होने के लिए बोलने के लिए नहीं, आप खड़ा होकर उड़ी मारेगा। वो सच्चाई बात, प्रियो एक बार जानना हम लोग प्रभु के लिए कितना प्रिय, प्रभु हमें कितना चाहता है। लेकिन यहाँ पर है ना, हम छोटी छोटी बातों में इसको प्रकाश नहीं मिले ना, वो इसमें खुशी नहीं मनाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं ये वजनों को ध्यान कर रहा था, मेरे दिल में आया हुआ आनंद का मैं बयान नहीं कर सकता, अभी भी बयान नहीं कर सकता। सच में आपको ये प्रकाश मिलेगा ना, अब ऐसा उड़ी मारेगा, उड़ी मारेगा। अभी मैं एक बात आपको बताऊ, ये दुनिया में कभी भी है, प्रभु के साथ सच्चा नाता है, आप प्रभु का बेटा है, प्रभु का जन्म है, अब उदार पाया है ना, एक बात जानना, प्रभु आपको भूलेगा नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं। ये वचन हमेशा याद रखना, कौन सा मालूम है? रोमियो 8:32, रोमियो 8:32। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आप इतना दुखी निराश होने का क्या बात है? अयो प्रियो ये जानना, प्रियो है, अरे पिता ने हमें इतना बड़ा संपत्ति दे करके खरीदा, वो सारा संपत्ति दे करके खरीदा, वो हमको प्रभु एकदम छोड़ देगा? नहीं, दुखी निराश होने देगा? नहीं, प्रेज़ लॉर्ड। अपने नीच पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसको दे करके पिता ने हमें खरीदा, उसके साथ हमें क्या नहीं देगा? क्या नहीं देगा? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रभु के नाम पर नहीं, प्रभु ने मिला वो मार्ग पर नहीं, मनमानी में। ओ इसलिए प्रभु के साथ नाता नहीं, प्रभु में मिलाट पाने के बाद में भी अपने मनमानी में जी करके, पाव में जी करके प्रभु प्रभु पुकारेगा, प्रभु सुनेगा नहीं। ये बात को परखना, ये बात को परखना हमारे जीवन में। जब पुराने नियम में भी आपको मालूम, जब पाव उनमें रहा, प्रभु उनका बीच में नहीं रहा, प्रभु उनका बीच में नहीं रहा। प्रियम, प्रभु ने आज हमें अपने लिए आदर किया है, प्रभु की पवित्र मंडली है, हमें ऐसा प्रभु का आदर सम्मान करना चाहिए, हम कैसा प्रभु में बना रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज अगर हम प्रभु में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ है अपने जीवन के लिए एक शक्ति चेतावनी है, प्रभु आने वाला युगान युग हम लोग देखते देखते इतना मगन हो जाएगा, मगन हो जाएगा, इतनी बातें प्रभु हमारे लिए तैयार किया है। एक दो दिन चलने से आपके लिए ये आपकी पेशल बात है, एक एक इंडिविजुअल के साथ प्रभु चलेगा इस रीति में, युगान युग चल करके दिखाएगा, कभी भी देखते देखते खत्म नहीं होगा। आपने मानो जो स्वर्ग का सड़क के बारे में भी बोला, ऐसा सोना आज तक किसने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, कोई सोनार के पास ऐसा सोना नहीं। ओ ये सब हमारा अनंत काल के सड़ने वाला चलने वाला सड़क का ही अवस्था है, तो हमारा महल का क्या अवस्था रहेगा? और उसके अंदर प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया वो बातों का क्या अवस्था रहेगा? अयो आप क्या सोचता, दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, परंतु प्रभु में आप कितना सच में आप धनवान एक नहीं पार कर अपने जीवन को। प्रभु ने दिया वो वजन, ये
सबको ऐसा देखता है कि कोई बंडलबाजी नहीं प्रियो, परमेश्वर जो सच्चा है उसका वचन सत्य है। प्रभु हमें कहां के लिए बुलाया, आज हम उसके पीछे है क्या, उसके पीछे है क्या, हमें उसका सच्चा प्रकाश चाहिए, सच्चा प्रकाश चाहिए। इसलिए देखो आज ये दुनिया की बातों में जाकर के धोखा नहीं करना, नाशमान बातों के पीछे अपना मन नहीं लगाना। अनंतदा क्या है, इसराइल लोग दुनिया की बातों में ही प्रभु का बातों में वजन में बना नहीं रहा, और दुनिया का बात कुछ मिल गया घमंडी हो गया, प्रभु को भूल गया। प्रियो हम ये दुनिया का नहीं, हम ये दुनिया में परदेशी है, दुनिया की कोई भी बातों में हमारा मन ना लगाए, हमें स्वर्गीय नागरिक समझ करके स्वर्गीय बातों को प्राप्त करने के लिए उस दर्शन में आगे बढ़ना। ऐसा है तो उस दिन हम धन्य माना जाएगा, प्रभु के आगमन में बहुत आदर के साथ प्रभु हमको सीखा रहेगा, हमारा दिल प्रभु में लिपटा रहना चाहिए, प्रभु के संगति में हमेशा बना रहना। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।